पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ग्रेजुएट युवाओं को पीएम इंटर्नशिप करने का सबसे अधिक मौका, जाने कितने आवेदन आए। ओएनजीसी इंटर्नशिप में सबसे आगे है दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी और बिग अपडेट। इसका डेट तो खत्म हो गया, अब इसका प्रोफाइल बनेगा आप लोग को, जो 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 रजिस्ट्रेशन कराए हैं सबका आप लोग को टोटल बायोडाटा टाइप कर जो बना हुआ है आप लोग के पास भेजा जाएगा और उसके अनुसार आप लोग को लोग बुलाया जाएगा। तो हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे कि सबसे अधिक इंटर्नशिप के मौके कहाँ मिले। सबसे अधिक तो अभी चेन्नई में मिला है, चेन्नई शहर में, और सबसे अधिक ग्रेजुएट युवाओं को सबसे अधिक इंटर्नशिप का मौका भी मिला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितने आवेदन आए और किस किस कंपनी में कितने आवेदन आए हैं, इसके बारे में हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। नहीं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। स्नातक युवाओं को पीएम इंटर्नशिप करने का सबसे अधिक मौका। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत अब तक कंपनियों ने 1,27,000 से अधिक, देखिए 1,27,000 से अधिक युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए पंजीकरण कराया है। इसमें सबसे ज्यादा अवसर स्नातक वर्ग के युवाओं के लिए है, जिनके पास कुल 35,063 पदों पर इंटर्नशिप करने का मौका है। वहीं सबसे कम 12वीं पास के लिए है, जिन्हें 8,826 पदों पर अवसर दिया गया है। बता दें, सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण के तहत 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कंपनियां उससे अधिक पदों पर इंटर्नशिप देने के लिए आईं। वैसे में यह भविष्य के हिसाब से शुभ संकेत और काफ़ी अच्छा संकेत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कर सकेंगे। दिसंबर में शुरू हो जाएगा इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप दिसंबर में शुरू होना है। तो गत 25 अक्टूबर तक इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए युवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं। अब आवेदन करने वाले युवाओं को निर्धारित नियमों के तहत चयन करने की प्रक्रिया चल रही है, जो 7 नवंबर तक चलेगी। 8 से 25 नवंबर तक इंटर्नशिप के लिए चयनित होने वाले युवाओं को ऑफर लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद 2 दिसंबर से पहले चरण के तहत कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। ये बहुत फटाफट शुरू होने वाला है। अब हम लोग जान रहे हैं कितने क्षेत्रों में अवसर मिल रहे हैं। तो देखिए 25 क्षेत्रों में अवसर मिल रहे हैं, तो कौन कौन क्षेत्र हैं उसको जानेंगे। युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने में तेल, गैस और ऊर्जा, ONGC क्षेत्र से जुड़े कंपनियां सबसे आगे हैं। इन कंपनियों ने 29,108 पदों पर अवसर प्रदान किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 22,012 युवाओं को मौका दिया जा रहा है। इस तरह से कुल 25 क्षेत्रों में इंटर्नशिप करने का मौका युवाओं को मिलने जा रहा है, जिसमें फार्मा, बैंकिंग, IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, निर्माण, विनिर्माण और अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। इंटर्नशिप देने के मामले में कौन शहर सबसे ऊपर है, कौन शहर सबसे पीछे है, वो भी हम लोग डिटेल जानेंगे। तो गुरुग्राम 3रे नंबर पर और नोएडा 8वें नंबर पर। देखिए शहरों के हिसाब से इंटर्नशिप में अवसर देने की बात की जाए तो चेन्नई सबसे पहले नंबर पर, जहाँ कंपनियों ने 7,875 पदों पर इंटर्नशिप के लिए पंजीकरण कराया है। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु, तीसरे पर गुरुग्राम आता है। वहीं गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 8 नगर जो है 8वें नंबर पर है। कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में अच्छी संख्या में कंपनियां इंटर्नशिप देने के लिए आगे आई हैं, लेकिन अगले चरण में इंटर्नशिप के अवसरों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। मंत्रालय की कोशिश 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल बनाने की है। देखिए कितना क्वालिफिकेशन वाला को कितना इंटर्नशिप का मौका मिला है। तो सबसे ज्यादा पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि स्नातक वाला को 35,063 मिला है। वहीं 10वीं पास को 31,500 मिला है। ITI वाला को देखिए 30,448 मिला है। फिर डिप्लोमा वाला को देखिए 21,222 मिला है और 12वीं वाला को 8,826 मिला है। तो ये इंटर्नशिप को के मौके जो मिले हैं क्वालिफिकेशन के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे किस शहर में इंटर्नशिप का कितना अवसर मिला है। देखिए चेन्नई में सबसे ज़्यादा मिला है, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 7,875। बेंगलुरु में दूसरे नंबर पर 5,179। उसके बाद गुरुग्राम 4,575 और हैदराबाद 4,472, मुंबई 4,288,
पुणे 4224, अहमदाबाद 2877, गौतम बुद्ध नगर यानी इसी को नोएडा बोला जाता है 2014। तो इतना है प्रत्येक शहर में। देखिए सबसे ऊपर है चेन्नई। तो दोस्तों ये रहा आज का बिग अपडेट। जय हिंद, जोहार झारखंड।